हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे टिक्सॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे, देखेंगे यहाँ पे 19 सितंबर को मीन्स मंडे सेशन में किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट हम लोगों को दिखा सकता है। एक चीज़ हम मुझे याद है, जब यहाँ पे ये रेड कैंडल बना था और ये जो हमारे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना था, उस दिन मैंने इसकी एनालिसिस की थी और आपको बताया था अगर ये लेवल यहाँ से ऊपर की ओर निकलता है तो हम लोग को ये टारगेट यहाँ पे जल्दी देखने को मिलेगा। और जो कि ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड है लेवल, यहाँ पे ब्रेकआउट देखिए ऊपर की ओर निकल सकता है। उसके बाद इसने बहुत ही अच्छा यहाँ पे हम लोग को रैली दिखाया है, ठीक है। तो अगर आपने पैसे बनाए होंगे तो ज़रूर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अभी फ़िलहाल जो यहाँ पे सिचुएशन है, अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बनी है, देखिए एक बहुत ही अच्छा रैली किया है ये। लगभग लगभग 3,666 से जो रैली स्टार्ट हुई है, ये 4,700 के आसपास, मतलब 1,000 पॉइंट से ज़्यादा की यहाँ पे रैली इसने की है। हो सकता है यहाँ पे एक भी यहाँ पे पॉज कैंडल बना के ऊपर की ओर रैली किया है, लेकिन एट लास्ट 1,000 का रैली बहुत ही ज़्यादा होता है। अभी इसको यहाँ पे कूल डाउन होना पड़ेगा। कूल डाउन मतलब अभी ऊपर जाना है तो जो बायर्स ने ऑलरेडी पैसा बना लिया है, ठीक है, वो अपना प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत करेंगे एंड यहाँ पे सेलर यहाँ पे दबाव बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने एक रेजिस्टेंस के पास में है। याद है हम सभी को ये वाला रेजिस्टेंस, जब इस रेजिस्टेंस के पास जाके हिट करके ये नीचे आ जा रहा था, तो जब इसको मल्टीपल टाइम ये टेस्ट कर लिया था उसके बाद यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया था, है कि नहीं। तो यहाँ पे सेम वे में यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम ये थर्ड टाइम आके यहाँ पे 2 बार टेस्ट किया है, लेकिन 2 बार टेस्ट करते करते यहाँ पे क्या हुआ है ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे नोट करना होगा। यहाँ पे क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये रेजिस्टेंस लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करके रखते हैं अपने रेफरेंस के लिए। अभी देखेंगे इस रेजिस्टेंस लाइन के पास अगर इसको ब्रेक करना है तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और फर्स्ट टाइम ये ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे लगभग लगभग ये यहाँ आया है, ठीक है, थोड़ा नीचे आए, नीचे जाके फिर से हिट करे और उसके बाद फिर से जाके हिट करे। तो जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम थर्ड बार में जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी होगा इसको हिट करके ऊपर की ओर निकल जाएगा। तो अगर ये इस तरीके की प्रॉबिलिटी है तो उस प्रॉबिलिटी में ज़्यादा प्रॉफिट बनने के भी चांसेस है। तो ऐसा होता है तो ये इसका ऐसा लगा कि हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। सेकंड केस मतलब सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये नोट करने वाला है, यहाँ पे ये एम पैटर्न बना दिया है। एम पैटर्न मतलब इसका जो हाई था लास्ट टाइम का वो ब्रेक नहीं हुआ, जो लो था वो ब्रेक हो गया, मतलब यहाँ पे लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे एम टाइप पैटर्न बन गया और यहाँ पे एम टाइप पैटर्न को लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेक किया है, ठीक है। ये कैंडल देख रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेक किया है। तो अभी मंडे सेशन में अगर यहाँ से ऊपर की ओर निकलता भी है तो ये जो 4,500 का लेवल है ना दोस्तों, ये अभी लेवल ये लेवल क्या करेगा डिक्सॉन में, अभी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे इसने 2 बार ऑलरेडी सपोर्ट ले रखा है। तो उसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, तो और हमें जब कैंडल दिखेंगे तो हम लोग को अच्छे से क्लियर होगा। देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं यहाँ पे ये जो सपोर्ट था इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम थर्ड टाइम, ठीक है, 3 बार हिट करने के बाद 4th टाइम में इसको इसने ब्रेक किया। अब आपको पता चला होगा कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करना है तो कितना महत्व होता है ये जो बार बार जाके इसको हिट करता है उसका, ठीक है। अब ये जब ब्रेक हो गया तो जब ये यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा तो जिन लोगों ने इन पॉइंट्स पे अपना दबा के माल बेचा होगा, ठीक है, वो जैसे ही ऊपर जाएगा फिर से इसको सेल करेंगे, अपने पोजिशन को वो डिफेंड करेंगे। और ये जो पोजीशन है, देखिए हमेशा मैं बोलता हूँ जो भी रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है, जितनी बार उसको ऊपर से नीचे आने में टाइम लग रहा है, जितना ज़्यादा यहाँ पे जितना स्ट्रॉन्गनेस के साथ और जितनी बार में हिट करके जितनी मुश्किल से नीचे आ रहा है, जब ये ऊपर जाएगा तो उतनी मुश्किल से ये लेवल ऊपर को ब्रेक करने देगा, ठीक है। बायर्स को अब ये लेवल ब्रेक करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा और एक इम्पॉर्टेंट एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है ये, ठीक है। तो अब ये जो लेवल है अराउंड अराउंड, मैं आपको अगर लेवल यहाँ पे बताऊँगा तो लेवल अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये लेवल है अराउंड 4,500 के आसपास का, ठीक है। 4,500 के आसपास का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अभी। क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? क्योंकि यहाँ से अगर ये ऊपर की ओर जाता है दोस्तों तो 4,500 से यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगा और ये इस प्राइस सेक्शन को यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। इस तरीके से ऊपर गया, ये ब्रेक करेगा नीचे, फिर आएगा, फिर यहाँ पे लगभग 4,360 के आसपास सपोर्ट लेगा, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा और इस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट हमारा दूर है, ठीक है। तो ये वाला जो यहाँ पे जर्नी होगा ये हो सकता है थोड़ा फास्ट जर्नी हो और ज़्यादा यहाँ पे डिस्टेंस कवर करे, मतलब ज़्यादा नीचे एक बार में जाए। ये 4,200 4,300 के आसपास आने के बाद 4,280 के आसपास तेज़ी से आ सकता है। फिर यहाँ पे जो रैली किया है, ठीक है, जब 1,000 की रैली में से यहाँ से लगभग लगभग 400-500 रुपीज़ यहाँ से चला जाएगा, मतलब 40-50% ये करेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है ये यहाँ पे ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करेगा। हम लोग ट्रेंड लाइन बना के बैठे रहेंगे, अगर हम लोग को ऐसे यहाँ पे ऊपर की ओर निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बाई इसको कर सकते हैं उस पॉइंट पे।
फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे मंडे की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे अपना 4409 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम लोग लगभग लगभग जो टारगेट देख सकते हैं नीचे की ओर, वो 4363 के आसपास तक का देख सकते हैं। ऊपर की ओर बात करेंगे तो ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे कोई भी लेवल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है 4500 की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो नीचे हमारे पास एक टारगेट रहेगा, ऊपर फिलहाल अभी हम लोग वेट करेंगे। तो वीडियो पसंद आई होगी तो आपको लाइक कर देना है, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।